आज हमारे साथ हैं ऋषभ कनौजिया, एंड ऋषभ आज बताने वाले हैं अपनी पूरी जर्नी. ही इज एन एयरफोर्स वार्ड. इसके ऋषभ के फादर एयरफोर्स में थे, एंड इस बार प्रायोरिटी 3 में ऋषभ ने बहुत मेहनत करके अपनी सिस्टर का सेंट्रल पूल सीट्स में, डिफेंस KSB सीट्स में एडमिशन कराया है, नीट में, मेडिकल कॉलेज में. एंड ऋषभ की जर्नी बहुत ही चैलेंजिंग रही, एंड इसलिए आई वांटेड ऋषभ टू कम एंड स्पीक टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस चैनल, सो दैट ऋषभ की जर्नी से आप सब भी सीख पाएं और समझ पाएं कि कहाँ से कैसे कैसे क्या प्रोसेस करना है. वेलकम टू द चैनल ऋषभ. ऋषभ अब ऑल थैंक्स टू यू। नो 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 दैट्स माय प्लेजर. जितने भी बच्चे मेडिकल कॉलेजेस में जाते हैं उसका जो रिवॉर्ड होता है, वो खुशी वो हमसे कोई नहीं छीन सकता, सो इट्स माय प्लेजर. ऋषभ, आपकी जर्नी बहुत चैलेंजिंग रही, और हर साल मेरे पास एक दो बच्चे ऐसे आते हैं जिनकी जर्नी काफ़ी चैलेंजिंग होती है. तो सबसे पहले तो ये बताओ कि आपकी पूरी जर्नी में, मुझे याद है जब आपने मुझे फर्स्ट टाइम कॉन्टैक्ट किया तो आपको ये भी नहीं पता था आप कौन सी प्रायोरिटी में हो, फादर के यस मैम, डॉक्यूमेंट्स मुझे कितनी ये भी नहीं इम्पोर्टेंट पता था मैम एलिजिबिलिटी क्या होता है। क्या, और पूरी जर्नी में क्या क्या चैलेंजेस आए और उसको आपने कैसे हैंडल किया वो बताएं. मैम फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थैंक यू कहता हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको कांटेक्ट नहीं करता और आपसे कनेक्ट नहीं रहता तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ये क्योटिक डिफिकल्ट हो जाता है कि सबसे पहले मैं सारी चीज़ें खुद ही आइडेंटिफाई करूँ और फिर प्रोग्रेस करूँ। मतलब कोई भी एक्सटर्नल हेल्प जो कि इस फील्ड में लोगों की मदद करते हैं उनके बगैर ये पॉसिबल नहीं है। तो मैं पहले तो उनको रिकमेंड करूंगा कि जो 2.5 लाख 3 लाख दे के अपने बच्चों को इंस्टीट्यूट में डलवाते हैं ताकि वो अच्छे से पढ़ पाएँ, रैदर कि जब हमें काउंसलिंग का टाइम आता है जो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम आता है तब किसी की हेल्प नहीं लेते हैं या नहीं ले पाते हैं। तो इसलिए मैं उनको सजेस्ट करूंगा सबसे पहले तो कि आपके साथ कनेक्ट रहना चाहिए। तो मेरी मैम जर्नी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे एक्चुअली आया था कि मैं अपने होम टाउन में शिफ्ट नहीं हुआ था, और एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट जो मुझे आपसे पता चला था कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रहता है काउंसलिंग के प्रोसीजर में, वो मुझे नहीं मिला, वो मुझे इनकरेक्ट हो गया था मेरे डॉक्यूमेंट में। और ये मुझे काफ़ी बाद में पता चला क्योंकि हमारे फादर की जो डेथ है वो जस्ट मेरे सिस्टर ने 2 साल बाद ही उसके नीट दिया था, 2020 में हुआ था। तो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट था कि हमने अभी तक कोविड के ड्यूरेशन के बाद से जब हमारा टाइम स्टार्ट हुआ हमने जिला सैनिक बोर्ड भी रजिस्टर नहीं करा था। और तब जब मैं गया फर्स्ट टाइम वहाँ पे उन्होंने मेरे को बताया कि आपका तो सर्विस पर्टिकुलर में ही काफ़ी सारा मिस्टेक है, तो इसलिए मुझे सबसे पहले तो वही करेक्ट कराना था। मैं एक्चुअली रहने वाला यूपी का हूँ और मेरे क्या मिस्टेक था सर्विस पर्टिकुलर में? यस मैम मैम मेरे सर्विस पर्टिकुलर में एड्रेस मिस्टेक था। सर्विस पर्टिकुलर एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, मतलब इट इज़ इक्विवेलेंट टू डिस्चार्ज बुक। तो जो रिटायर हो जाते हैं उनको डिस्चार्ज बुक मिल जाता है, और जो लोग ऑन सर्विस डेथ हो जाते हैं उनको सर्विस पर्टिकुलर मिलता है जो कि जिसको शॉर्ट फॉर्म में एब्रीविएशन उसका SPC बोलते हैं। तो हमारा उसमें एड्रेस में प्रॉब्लम हो गया था। मैं यूपी का नेटिव हूँ और मेरा एड्रेस जो डल गया था वो डला था कर्नाटका का, जो कि मेरे फादर की लास्ट पोस्टिंग थी। तो ये चीज़ मुझे बहुत बाद में पता चला, और इसका करेक्शन कराने के लिए जब मैं अपने ज़िला सैनिक बोर्ड पे गया उन्होंने मुझे फर्स्ट रिकमेंड करे कि आप वहीं पे जाइए जहाँ का ये एड्रेस है और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप ट्रांसफ़र करा लीजिए। मैं जब यहाँ पे आया उस टाइम पे KSB का पोर्टल खुल गया जिसमें ऑनलाइन हम लोग को वो करना यहाँ रहता पे है। मतलब आप कर्नाटका की बात कर रहे हैं, जब आप वापस कर्नाटका आए या वापस यूपी आए? राइट मैम, मैं वापस कर्नाटका आया अपने ज़िला सैनिक बोर्ड में विजिट करने के बाद में, तो तब मुझे एग्जैक्टली पता चला कि हाँ इसको यहाँ पे पहले मैं रजिस्ट्रेशन कराऊंगा, उसके बाद मैं वापस अपने ज़िला सैनिक बोर्ड में रजिस्ट्रेशन करवा सकता हूँ, ट्रांसफ़र करवा सकता हूँ। तो जब जिस टाइम मैं यहाँ पे आया कर्नाटका में आया मुझे ये पता चला कि यहाँ तो वो हमारा रजिस्ट्रेशन कर ही नहीं रहे। मैं इस तरह की सिचुएशन में फंस गया कि ना मेरा रजिस्ट्रेशन कर्नाटका में हो पा रहा है ना मेरा रजिस्ट्रेशन ज़िला सैनिक बोर्ड का यूपी में हो पा रहा है। फिर
आपने मुझे सजेस्ट करा कि मतलब मुझे दिल्ली जाना चाहिए। फिर मैं दिल्ली गया, जो भी हमारे रिकॉर्ड ऑफिस है उन्होंने मेरी पूरी मदद करी। वहाँ के लोग बहुत हेल्पफुल थे, उन्होंने मेरे को एक दिन में ही मेरा सर्विस पर्टिकुलर करेक्ट करके दे दिया। एंड सेम डेट मुझे वहाँ से भी एक एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट इशू हो गया जो कि रिकॉर्ड ऑफिस का था। उसने मेरे को बहुत हेल्प करा कि जो मेरा क्लियर फॉर्मेट है एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट का, उसको राज्य सैनिक बोर्ड से काउंटर साइन करवाने में। हाँ, फिर राज्य सैनिक बोर्ड में भी तो प्रॉब्लम आई थी ऋषभ, वो साइन नहीं कर रहे थे आपका, मुझे याद है। मैम मैम मेरे साथ दरअसल ऐसा हुआ था कि मुझे पता था कि इसमें टाइम लगेगा, मतलब मेरा जिला सैनिक बोर्ड में रजिस्ट्रेशन होने में मुझे बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। मेरी मदर का रजिस्ट्रेशन वहाँ नहीं हुआ था, तो विडो आईडी कार्ड जो मिलता है वाइफ्स को, विडो को, वो भी नहीं इशू हुआ था। तो हमारे कर्नल सर इतने अच्छे थे जिला सैनिक बोर्ड के, उन्होंने कहा था कि फर्स्ट आप एलिजिबिलिटी को आगे बढ़ाइए, इसको आप, मैं साइन कर देता हूँ, इसको प्रोसेस करवाइए, आप रजिस्ट्रेशन बाद में करते रहना। तो जिला सैनिक बोर्ड से साइन हो गया, मैंने किसी तरीके से उसको राज्य सैनिक बोर्ड में पोस्ट करवाया, किसी की हेल्प ली, तो उन्होंने क्लियरली मना कर दिया कि आप यहाँ पे रजिस्टर्ड भी नहीं है। ऑल्दो मैं उनको अपना पूरा प्रूफ दे रहा हूँ कि सर मैं यहाँ का नहीं हूँ, मेरी लैंग्वेज भी वैसी नहीं है, इवन सर किसी भी सर्विस पर्टिकुलर में कोई गवर्नमेंट TN-19/1 इस तरीके के गवर्नमेंट क्वार्टर का एड्रेस है, ये कैसे पॉसिबल है? किसी का गवर्नमेंट क्वार्टर, किसी का परमानेंट एड्रेस कैसे हो सकता है? मैंने उनको बहुत समझाया पर वो माने नहीं। फिर जब मैं दिल्ली आया, जब मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट मैंने रिकॉर्ड से ही क्लियर करवा लिए, तब उन्होंने कर दिया। हालांकि फिर भी मैम वो थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। तो फिर फाइनली आपका यूपी वाले राज्य सैनिक बोर्ड ने काउंटर साइन किया। यस मैम। ऑलराइट ऋषभ, एक और आपने मुझे बताया था कि स्टार्टिंग में आपको ये भी बहुत ऐसे रूमर्स लोग डरा रहे थे कि आपके फादर एनसी थे, कि एनसी के वार्ड का तो एलिजिबल ही नहीं है। उसके ऊपर भी यस थोड़ा सा क्लैरिटी दीजिए ताकि आगे फ्यूचर में इस तरीके के कोई कैंडिडेट्स हो तो वो मिसगाइड ना हो। मैम, हम मेरे को तो ये ऑनलाइन पता चला था, जस्ट मैं स्क्रॉल कर रहा था यूट्यूब पे और मुझे पता चल गया था कि एक सेंट्रल पूल नाम का भी एक कोटा रहता है हमारे लिए। मैंने फर्दर और रिसर्च करा तो मुझे ये भी पता चला इसमें प्रायोरिटीज़ भी होती हैं। फिर जब मुझे लगा कि मैं प्रायोरिटी 3 में शायद लाई कर रहा हूँ, तब मैंने आपसे कांटेक्ट करा कि मुझे एटलीस्ट ये तो पता चले कि ये सच है कि झूठ है। उस फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इजी मोड ऑफ कन्वर्जेशन तो यही है कि मैं आपसे पता कर सकता हूँ व्हाट्सएप पे। जब मुझे ये चीज़ आपने क्लियर कर ली कि हाँ 99% आपका है, अब आप बाहर जाके रिसर्च आउट करो इस चीज़ पे, तब मैं इस पे और गया पता करने। तो काफ़ी सारे लोग, मतलब आप तो मैम एडमिशन कराते हैं, आप हमारा हेल्प करते हैं, तो आपको क्लियरली ये चीज़ पता है, लेकिन बहुत सारे लोग, उनको बस थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन रहता है कहीं ना कहीं से। तो हमारे जैसे लोग जो परेशान होते हैं वो उनको बहुत मिसगाइड करते हैं। इवन मुझे मेरे राज्य सैनिक बोर्ड के एक हेड थे, उन्होंने ही बोला कि आप प्रायोरिटी 3 में नहीं आते, आप प्रायोरिटी 6 में आते हैं, आप कुछ भी कर लीजिए। और मुझे ये आप पे बिलीव था और मुझे खुद पे भी बिलीव था कि नहीं, एट लास्ट मैं देखता हूँ कहाँ तक ट्राई कर पाता हूँ। और मेरा ये सारा डाउट तब क्लियर हो गया, और किसी भी इंसान का तब क्लियर हो जाएगा जब वो अपने रिकॉर्ड ऑफिस पहुंच जाएगा जहाँ पे हमारे सारे रिकॉर्ड रहते हैं। वो आपको क्लियरली बता देंगे वो यस कर रहे हैं तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। रिकॉर्ड ऑफिस ने मेरे को यस बोल दिया तो राज्य सैनिक बोर्ड वाले भी कुछ, उनको साइन करना ही पड़ा कुछ भी करके। और कोई ऐसी चीज जो आपकी नॉलेज में आई हो ऋषभ, जो आप हमारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहोगे? बिकॉज ऐसा भी मिसकंसेप्शन था, इस बार मेरे पास एयरफोर्स के 2 बच्चे थे और दोनों प्रायोरिटी 6 में थे, और अनफॉर्चुनेटली दोनों को कुछ आइडिया नहीं था कहाँ पे क्या करना है। आपने बहुत सारे, मैंने आपको RTE भी डलवाए थे इफ यू रिमेम्बर। यस मैम, आर्ट, यस यस सो डू यू वॉन्ट टू मेंशन एनीथिंग एल्स की जिस चीज ने आपकी हेल्प की हो? मैम, मैं RTI पे एक बात बताता हूँ, उसके बाद अब से नेक्स्ट पूछेगा। RTI मैम मैंने भी डाला था और मेरे साथ एक और ने डाला था। जब मैं पर्सनली वहाँ पे विजिट करा तो मुझे ये चीज़ पता चला कि RTI वो सिर्फ स्पेसिफिक चीज़ों के लिए ही एक्सेप्ट कर रहे हैं। हमें कुछ डॉक्यूमेंट एक्सट्रैक्ट कराना है जो उनके लिए भी बहुत स्पेसिफिक है और हमारे लिए भी बहुत स्पेसिफिक है। उन्होंने मुझे सामने से कहा कि अगर आपके डॉक्यूमेंट में इतनी सारी प्रॉब्लम है, 3-4 चीज़ें प्रॉब्लम है, तो आपको पर्सनली आना पड़ेगा। RTI से पॉसिबल ही नहीं है हम उसको अटेंड कर पाए, बना के आपके पास भेज पाए।
तो उसके लिए तो पर्सनली जाना पड़ेगा, अगर आरटीआई का आपके पास रिप्लाई नहीं आ रही। इवन मैंने तो फर्स्ट अपील भी डाली थी। और सेकेंड थिंग मैम ये कि जब हम फर्स्ट टाइम, पहली बात तो हमें इस सारी चीज़ें प्रोसेस के बारे में खुद ही जानना पड़ेगा। कोई ऑप्शन नहीं है, या फिर कोई ऐसा हेल्पफुल इंसान होना चाहिए आपके तरह जो हमें गाइड करने के लिए, हमारे आंसर करने के लिए हमारे क्वेश्चंस को रेडी होना चाहिए। अगर कोई ऐसा नहीं है और आप जस्ट सुन सुन के जा रहे हैं तो आपके लिए भी हेल्थ के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा और आप कर भी नहीं पाएंगे। तो मैंने ये चीज़ एक नोटिस करी मैम कि अगर हमें खुद नहीं पता रहेगा और हम अपने आप से ही मतलब करवाते जा रहे हैं, कुछ हमने एक साइन भी गलत ले लिया तो वहाँ पे जो हमारे हेल्प के लिए लोग बैठे रहते हैं वो इतने अपनी चीज़ में इतना एक्सपर्ट रहते हैं कि वो एक साइन के लिए भी मतलब आपको बोल देंगे कि नहीं नहीं ये तो गलत है, आपने ये कैसे करवा लिया, वो कैसे करवा लिया। मैं अपने राज्य सैनिक बोर्ड का एक किस्सा बताता हूँ मैम। मेरे साथ एक और आया था, वो भी उसके आई थिंक वो प्रायोरिटी 4 में था, उसके फादर एक्स आर्मी में थे। तो उसने मैम क्या करा था, जहाँ पे जिला सैनिक बोर्ड का सिग्नेचर होना चाहिए वो अपने रिकॉर्ड से करवा के लेके आ गया। अब ऑब्वियस सी बात है कि रिकॉर्ड राज्य सैनिक बोर्ड से हायर अथॉरिटी है, तो राज्य सैनिक, लेकिन वो फॉर्मेट तो डिक्लाइन हो गया। लाइक वाइज आपने मेरे को कहा था आपको रिकॉर्ड से मिल गया आपके एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, बट एटलीस्ट आप अपना फॉर्मेट करेक्ट कर लीजिए कि जिसमें राज्य सैनिक बोर्ड का फर्स्ट साइन होता है एंड देन जिला सैनिक बोर्ड का फर्स्ट साइन होता है एंड देन राज्य सैनिक बोर्ड उसको काउंटर साइन करता है। तो उसने मैम क्या करा था, उसने अपना रिकॉर्ड ऑफिस से ही उस पर साइन करवा लिया था जहाँ पे जिला सैनिक बोर्ड का साइन होना था, और फिर उसको राज्य सैनिक बोर्ड में बोल दिया कि नहीं नहीं आप तो अपर अथॉरिटी से करवा के ले गए तो मैं उसको कैसे साइन कर सकता हूँ। तो ऐसे छोटे छोटे मैम मिस्टेक हो जाती हैं, वो चीज़ समझ नहीं पाते लोग। ऋषभ, तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द इंसाइट्स। आई एम श्योर आपका जो ये जर्नी था, बिकॉज मैं भी पिछले 8-7 साल से जो काउंसलिंग कर रही हूँ, आपका बड़ा अनयूजुअल और यूनिक केस था। ऐसा केस मैंने देखा नहीं था, बट देन गॉड विलिंग एट द एंड ऑफ द डे योर सिस्टर इज इन अ मेडिकल कॉलेज, शी इज डूइंग वेल, शी इज हैप्पी एज यू टोल्ड मी, शी इज वर्किंग हार्ड। सो आई एम हैप्पी कि अल्टीमेटली आपका सारा मेहनत काम आया और सक्सेस मिला आपको और आपकी सिस्टर को। इट इज़ वेरी वेल डिजर्व्ड। सो थैंक यू सो मच। एक बार फाइनल लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स अगर आप जस्ट मेंशन कर दो कि क्या क्या बच्चों को रेडी रखना चाहिए, बिकॉज बहुत सारे बच्चे बार बार क्वेश्चंस पूछते हैं मेरे। मैम आप क्लियरली इस चीज़ को मेंशन करते हैं, मुझे मेरे को सबसे पहले, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने से पहले आपके वीडियोस को गो थ्रू करता हूँ अच्छे से, क्योंकि मैं मतलब आपको परेशान नहीं करना चाहता हूँ कि आपने जो ऑलरेडी बता रखा है वो मैं आपसे 10 बार पूछूंगा तो आप भी परेशान हो जाओगे। तो फर्स्ट रिकमेंडेशन तो सबके लिए वो है, एंड सेकेंड थिंग अकॉर्डिंग टू माई प्रायोरिटी 3 मैं बताना चाहूँगा कि हमें सबसे इम्पोर्टेंट करेक्ट SPC सर्विस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट जो होता है वो भी करेक्ट, हमारा नाम, हमारे मदर का नाम, हमारे फादर का नाम, रैंक, ट्रेड, हमारे जितने भी सिबलिंग्स हैं, और इनफैक्ट करेक्ट एड्रेस रहना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसमें। SPC करेक्ट होना चाहिए। उसके बाद आपने अपने ज़िला सैनिक बोर्ड में, जो भी आप स्टेट में रहते हैं, ज़िला सैनिक बोर्ड में आपने रजिस्टर किया होना चाहिए। आपके पास विडो आई कार्ड होना चाहिए। ECHS जो हमें हॉस्पिटल के लिए मिलता है, पॉली क्लिनिक के लिए मिलता है, वो कार्ड आपके पास होना बहुत कंपलसरी है। फिर बाकी डॉक्यूमेंट जैसे कि डेथ सर्टिफिकेट हो गए, और जो कैंडिडेट है उसका 10th 12th का मार्कशीट, एंड आधार एंड सबसे इम्पोर्टेंट एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी आपके पास करेक्ट फॉर्मेट में होना चाहिए। और हो सके तो मैम जो ऊपर प्रायोरिटी कैजुअलिटी सर्टिफिकेट एंड एट्रिब्यूटल सर्टिफिकेट होता है अगर वो लेके जाएं तो और भी अच्छा है, उनके लिए क्लियर हो जाता है, आपका प्रोसेस इजी हो जाता है, ऑल राइट। आधार एंड ऑल। थैंक यू सो मच ऋषभ, एंड ऑल द बेस्ट। आई होप टू सी यू ऑल्सो इन सम गुड कॉलेज वेरी सून। यस मैम।